राजस्थान के वन्य जीव अभयारण्य। राजस्थान जैव विविधता की दृष्टि से धनी प्रदेश है। राजस्थान में विविध भौतिक धरातलीय प्रदेश है, जहाँ अनेक प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। राजस्थान की जलवायु, वनस्पति, मृदा, जलराशियों की भिन्नता के कारण से यहाँ अनेक प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। मांसाहारी पशु, शाकाहारी पशु, दोनों ही प्रकार के पशु जो है राजस्थान में विद्यमान है। बाघ, तेंदुआ, खरगोश, जरक, जंगली बिल्ली, बिज्जू, भेड़िया, शियार, लोमड़ी, जंगली कुत्ता, मांसाहारी जीव जंतु हैं। और शाकाहारी पशुओं में काला हिरण, चिकारा, सांबर, नीलगाय, चीतल, चौसिंगा, भालू, जंगली सुअर, खरगोश, बंदर, लंगूर राजस्थान में पाए जाते हैं। राजस्थान के वन्य जीव अभयारण्य के अंतर्गत हम देखें तो 5 राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में विद्यमान हैं। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर, केवला देव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर, राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अलवर, मुकुंद्रा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान कोटा, ये 5 राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में स्थित है। सबसे नवीन राष्ट्रीय उद्यान जो है वो मुकुंद्रा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान है, जिसकी 2011 में सैद्धांतिक मंजूरी दी गई। राष्ट्रीय उद्यान रणथंभौर सवाई माधोपुर में है, जो बाघ संरक्षण स्थल भी कहलाता है, जहाँ बाघ का संरक्षण किया जाता है। बाघ के अतिरिक्त सांबर, चीतल, नीलगाय और मगरमच्छ यहाँ पाए जाते हैं। दूसरा जो प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है, केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान, केवला देव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर जिले में है। ये पक्षियों के का स्वर्ग है, पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। साइबेरिया से आने वाले साइबेरियन क्रेन यहाँ प्रतिवर्ष सर्दी के मौसम में आते हैं। 392 प्रकार की प्रजातियाँ जो है इस राष्ट्रीय उद्यान में विद्यमान हैं, जो भारतीय हैं, और 113 प्रजातियाँ विदेशी इस पक्षी अभयारण्य के अंतर्गत आती हैं। हंस, शुक, सारिका, चकवा चकवी, लो सारस, कोयल, धनेश, राष्ट्रीय पक्षी मोर और भी अनेक तरह के पक्षी जो है इस अभयारण्य में देखे जाते हैं। राष्ट्रीय उद्यान जैसलमेर, राष्ट्रीय उद्यान मरु उद्यान जैसलमेर, ये जैसलमेर में स्थित है। इसे भी 1981 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया 1981 में। और ये जो है जुरासिक कालीन वनस्पति के अवशेष यहाँ संरक्षित है। इसे जीवाश्म उद्यान भी कहा जाता है, जो जैसलमेर के सम में स्थित है, और इसे आकल वुड नेशनल पार्क का नाम भी दिया गया है। इसमें जो है पूरा वनस्पति या पूरा वनस्पति के प्राचीन अवशेषों का संरक्षण किया गया। गोडावण काला हिरण, चौसिंगा और चिकारा भी जो है इस क्षेत्र में राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में पाए जाते हैं। सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य अलवर में है। सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य बाघ परियोजना के अंतर्गत केंद्रीय सरकार के द्वारा बाघ परियोजना प्रोजेक्ट लागू किया गया। सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य अलवर जिले में स्थित है, बाघों के लिए प्रसिद्ध है। अलवर से 35 किलोमीटर दूर सरिस्का नामक स्थान पर ये अभयारण्य बना हुआ है। हाँ, नीचे रख दो। 1990 में इसे राष्ट्रीय उद्यान की श्रेणी में घोषित किया गया। बाघ के अतिरिक्त शेर, बगेरा, सांबर, चीतल, नीलगाय,
जंगली सुअर, काला खरगोश, लंगूर इसमें निवास करते हैं। इसे जो है रणथंभौर की भांति राष्ट्रीय बाघ उद्यान में बाघ परियोजना के अंतर्गत सम्मिलित किया गया। पांचवा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो मुकुंद्रा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, जो वर्तमान में नवीन राष्ट्रीय उद्यान 2011 में स्थापित किया गया। ये कोटा और चित्तौड़ में स्थित मुकुंद्रा की पहाड़ियों में स्थित है, बाघ संरक्षण स्थल के रूप में विद्यमान है। वर्तमान में मुकुंद्रा हिल्स में कुछ बाघ मृत पाए गए, जो वन्य जीव के लिए बहुत ही हानिकारक है। चीते, बाघ, सुअर, जंगली जीव इस क्षेत्र में पाया जाता है। ये पांच राष्ट्रीय उद्यान हैं, रणथंभौर, केवला देव राष्ट्रीय मरु उद्यान, जैसलमेर, सरिस्का बाघ व्यू, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान और मुकुंद्रा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, जो राजस्थान में पांच केंद्र के द्वारा स्थापित राष्ट्रीय उद्यान हैं। इसी तरह से जयपुर जिले में स्थित नाहरगढ़ वन्य जीव अभयारण्य, नाहरगढ़ जयपुर के लगती हुई नाहरगढ़ की पहाड़ियों में स्थित है। ये जो है 1982 में अभयारण्य घोषित किया गया। आमेर, नाहरगढ़ और जयगढ़ के ऐतिहासिक दुर्ग के चारों ओर फैला हुआ है। पहले बाघ इस क्षेत्र में भ्रमण करते रहते थे, लेकिन अब बाघ बहुत ही कम दृष्टिगोचर होते हैं। लंगूर, सेही और पाटागोह के लिए ये अधिक प्रसिद्ध है। लंगूर, सेही और पाटागोह। जमुआ रामगढ़ अभ्यारण्य जयपुर में स्थित है। जमुआ रामगढ़ बांध और जमुआ रामगढ़ के जो पहाड़ियां हैं उसमें, ये जयपुर के महाराजाओं के शिकारगह रामगढ़ को ही अभ्यारण्य घोषित किया गया। सरिस्का के बाघ कभी कभी भ्रमण करते हुए यहाँ तक पहुँच जाते हैं। बगेरा, जरक, जंगली सुअर, जंगली बिल्लियाँ, भेड़िया, नीलगाय, सांभर इस क्षेत्र में देखे जाते हैं। ताल छापर कृष्ण मृग अभ्यारण्य चुरू में है। ये काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है, प्रमुख अभ्यारण्य है। बीकानेर जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है। काले हिरण यहाँ जो है सैकड़ों की संख्या में देखे जाते हैं। जयसम्मन वन्य जीव अभयारण्य उदयपुर में स्थित है। ये जयपुर से 50 किलोमीटर दूर जयसम्मन झील की चारों ओर की पहाड़ियों में फैला हुआ है। रीछ, जंगली सुअर, तेंदुआ, नीलगाय यहाँ देखने को मिलते हैं। फुलवाड़ी की नाल उदयपुर में स्थित वन्य जीव अभयारण्य है, अरावली की पहाड़ियों में फैला हुआ है। बाघ, बगेरा, सांभर, चीतल वन्य जीव यहाँ देखे जाते हैं। सज्जनगढ़ वन्य जीव अभयारण्य उदयपुर में के पास ही सज्जनगढ़ क्षेत्र में फैला हुआ है। शेर, कृष्ण मृग, नीलगाय, सांभर, चीतल, जंगली सुअर, चिकारा इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये अरावली का जो है प्रमुख, अरावली की पहाड़ियों में फैला हुआ है। उदयपुर का प्राचीन अखेट स्थल था, इसे अभ्यारण्य घोषित कर दिया है। कुंभलगढ़ रणकपुर अभ्यारण्य कुंभलगढ़ के पास में के आसपास कुंभलगढ़ और रणकपुर क्षेत्रों में फैला हुआ है। और ये जो है कुंभलगढ़ क्षेत्र उदयपुर से 80 किलोमीटर दूर है। तेंदुआ, भालू, नीलगाय, चीतल, जंगली मुर्गा यहाँ देखने को मिलते हैं। रणकपुर का जैन मंदिर और कुंभलगढ़ का किला इस क्षेत्र में दर्शनीय स्थल हैं। रामसागर वन्य जीव अभयारण्य धौलपुर में स्थित है। राजस्थान के पूर्वी जिले धौलपुर में बम्बई आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर ये स्थित है।
यहाँ जंगली सुअर, सांबर, नीलगाय, तीतर, मोर देखे जाते हैं। वन्य जीव विहार अभ्यारण्य ये भी धौलपुर में है। केसर बाग वन्य जीव अभ्यारण्य ये अभ्यारण्य धौलपुर जिले में है। धौलपुर जिले में 3 वन्य जीव अभ्यारण्य, रामसागर वन्य जीव अभ्यारण्य, वन विहार जीव अभ्यारण्य और केसर बाग वन्य जीव अभ्यारण्य पूर्वी राजस्थान के धौलपुर जिले में स्थित हैं। केला देवी वन्य जीव अभ्यारण्य करौली में स्थित है। केला देवी पर्वतीय सघन क्षेत्र है। रणथंभौर के जंगलों के पास होने के कारण से बाघ इस क्षेत्र में विचरण करते हैं। बगेरा, रीछ, जरक, चीतल, नीलगाय यहाँ पाए जाते हैं। सवाई मानसिंह अभ्यारण्य रणथंभौर अभ्यारण्य का ही बड़ा हुआ भाग सवाई मानसिंह अभ्यारण्य के नाम से घोषित कर दिया गया है। रणथंभौर के बाघ जो है यहाँ विचरण करते हैं। बाघ, बगेरा, नीलगाय, चीतल और सांबर जो है ये दिखने को मिलते हैं। बंद बारेठा वन्य जीव अभ्यारण्य भरतपुर जिले में है। बारेठा नामक स्थान पर एक बांध बनाया गया और उसके चारों ओर ये स्थित है। भरतपुर के केला देवी अभ्यारण्य से ये 50 किलोमीटर दूर है। बंद बारेठा अभ्यारण्य यहाँ अनेक प्रजातियों के वन्य जीव और पशु सुरक्षित है। बूंदी का एकमात्र वन्य जीव अभ्यारण्य रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य है जो बूंदी के आसपास के क्षेत्र में स्थित है। बाघ बगेरा के लिए बहुत प्रसिद्ध था लेकिन वर्तमान में बाघ और बगेरा यहाँ दृष्टिगोचर नहीं होते हैं। जरक, रीछ, नीलगाय, चीतल, चिकारा, जंगली बिल्ली, भेड़िया, लोमड़ी, जंगली सुअर जो है यहाँ पाए जाते हैं। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य ये राजस्थान का एक ऐसा अभ्यारण्य है जो चंबल नदी में स्थित है। चंबल के घड़ियाल और मगरमच्छ को बचाने के लिए इसे जो है राष्ट्रीय अभ्यारण्य का दर्जा, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य का दर्जा इसको दिया गया है। रावली टाटगढ़ या टाटगढ़ रावली अभ्यारण्य उदयपुर, पाली और अजमेर 3 जिलों के सीमांत क्षेत्र में स्थित है। यह ऐतिहासिक स्थान टाटगढ़ जो कर्नल टाट के नाम से स्थापित कस्बा है वहाँ स्थित है। बगेरा, जरक, रीछ, गीदड़, बंदर, नीलगाय आदि वन्य जीव अभ्यारण्य इस क्षेत्र में निवास करते हैं। शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य यह बारा में स्थित है। बारा का प्रसिद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य है। यहाँ भी जो है बाघ पाए जाते थे लेकिन वर्तमान में इससे बाघ कम हो गए, बाघ लुप्त हो गए। बगेरा, रीछ, लकड़बंगा, चीतल, खरगोश, नीलगाय जो है इस क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। आबू पर्वत अभ्यारण्य आबू पर्वत के चारों ओर फैला हुआ है, सिरोही के आसपास फैला हुआ है। ये आबू पर्वतीय अभ्यारण्य जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है। अभ्यारण्य है आबू पर्वत अभ्यारण्य जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य है। आबू के आसपास क्षेत्रों में फैला हुआ है। सुअर, रीछ, सांबर, नीलगाय, चीतल, जंगली मुर्गा आदि अनेक वन्य जीव इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। आबू पर्वत की पहाड़ियों में फैला हुआ है। इस तरह से राजस्थान के वन्य जीव अभयारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यानों की हमने चर्चा की। राजस्थान जो है वन्य जीव की दृष्टि से एक बहुत ही समृद्ध क्षेत्र है। धन्यवाद।